नमस्कार। इस वक्त हम हैं मेरठ दिल्ली हाईवे पर रैपिड ट्रेल के अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रैक पर। ये डिवाइडर के दोनों तरफ का हिस्सा कवर करके बीच में रैपिड ट्रेन के पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं और उन पिलर्स के ऊपर रैपिड ट्रेन का ट्रैक बनेगा। अभी कल ही ताज़ा अपडेट आया है, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC, उसके MD विनय कुमार सिंह ने ये दावा किया है कि कल ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से रैपिड ट्रेन के लिए 7500 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हो गया है। ये एक बड़ा अमाउंट है जिससे इस काम को रफ्तार मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट जो दिल्ली से मेरठ तक का है, इस पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस प्रोजेक्ट का काम पिछले कई महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने के पहले, चुनावों में जाने के पहले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और काम विधिवत शुरू हुआ था। तो ये काम शुरू हुए लगभग कई महीने बीत चुके हैं और इस समय काम चल रहा है। दुहाई से लेकर साहिबाबाद के बीच के पैच पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दिल्ली में दुहाई से दिल्ली तक का जो 13 किलोमीटर का हिस्सा है उसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। दुहाई से मेरठ के हिस्से में भी काम शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मुरादनगर के पास हैं। ये डिवाइडर के दोनों तरफ का हिस्सा कवर किया जा रहा है। मशीनें लगाई जा चुकी हैं जो ज़मीन में लगभग 120 से 130 फुट गहरे तक के पाइल्स करेंगी, बड़े बड़े होल्स करेंगी। उन पाइल्स के अंदर सरियों का केज डाला जाएगा, उस केज के भीतर कंक्रीट भरी जाएगी और फिर पिलर खड़ा किया जाएगा, पिलर के ऊपर ट्रैक का निर्माण होगा। हम आपको रैपिड ट्रेन के रियल अपडेट्स देते रहेंगे, ग्राउंड अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। एक खास बात और बता देना चाहते हैं कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जहां कोरोना की वजह से काम रुक गया है, इस वक्त NCRTC वाले विशेष एहतियात बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं कर्मचारियों को मास्क लगाने के लिए कहा गया है, कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स उनको दिए गए हैं और विशेष एहतियात बरती जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ काम चल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।